बच्ची ने आपसे प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो आपने समझाया था कि हाँ ईश्वर को देखा जा सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ईश्वर को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं देख सका। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैंने अध्ययन किया है कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, मतलब किस के स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रश्न आपका हो गया तो उत्तर दे दें। जी। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में भगवान जी को देखा जा सकता है कि नहीं, इस पर महाराज जी और एक अंकल में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। कि एक बच्ची ने आपसे प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर को देखा जा है, तो आपने समझाया था कि हाँ ईश्वर को देखा जा सकता है, और बहुत ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने उनका दर्शन किया है। लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। आकार तो केवल माया का होता है, और माया होती नहीं है, तो फिर ईश्वर तो वही है जिनको आँखों से देखा ना जा सके, जो मन दृष्टि और इन सब चीज़ों से, वाणी से परे होते हैं। वो अखंड हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वो किसी चीज़ से बने नहीं हैं, इसीलिए वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। जो चीज़ आकार वाली होती है, वह तो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, इसीलिए उसका नाश भी हो जाता है। और वही चीज़ देखी जा सकती है, इसी को आदि शंकराचार्य जी ने माया कहा है। माया माने भ्रम। जैसे मृग तृष्णा होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा काल्पनिक जलाशय दिखाई देता है, काल्पनिक झील दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं, जब पास में जाते हैं तो होती नहीं है। ठीक है। गर्मियों के मौसम में रोड में जब हम कार चलाते हुए जाते हैं तो आगे पानी दिखाई देता है, लगता है रोड में पानी भरा है, लेकिन जब पास में पहुंचते हैं तो पानी होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया दिखती तो है, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य होती है, और ईश्वर जो है इसीलिए तो मायापति हैं, क्योंकि वो माया को बनाने वाले हैं, माया के क्रिएटर हैं, इसीलिए तो हमारी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पाती, इसीलिए ना हम उनको देख सकते हैं, ना हमारी वाणी वहां तक पहुंच सकती है, ना हमारा मन वहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ईश्वर को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं देख सका, बिल्कुल ये मेरा मानना, अब तक जो मैंने अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का। ठीक है। मैं सन 2000 से अध्ययन कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैं यही काम कर रहा हूँ, समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना और रिसर्च करना। तो 22 सालों में मैंने यही पाया कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, नहीं पहुंच सकता, हम उनके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अब तो ना मतलब किसी भी प्रकार से हमारा मन भी वहां तक नहीं है। मेरा मतलब ये था, मैंने प्रश्न आया तो उत्तर दे दें। जी प्रश्न हो गया। हाँ जी, आपके माता जी हैं? नहीं है। पिताजी हैं? नहीं। पत्नी हैं? मैं अविवाहित हूँ। अच्छा, तो माता जी पिताजी को देखा आपने? हाँ देखा जी। आपके माता और पिता को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया, वो तो सबको बनाने वाले हैं। तो आप अपनी माँ को देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनके शरीर को केवल देख सकते हैं। हाँ, मतलब देख सकते हो ना? शरीर को देख सकते हैं। शरीर को देख सकते हो ना? माँ की आंखें कैसी हैं, माँ के गाल कैसे हैं, माँ के बाल, माँ की माथा कैसा, हाथ पांव देख सकते हैं ना? हाँ जी। जब आपको ईश्वर ने बनाया है और आप ईश्वर की बनाई चीजों को देख सकते हैं, तो जिस परमात्मा की बनाई चीजों को आप देख सकते हैं, तो वो भगवान यदि चाहें कि आप हमें देख सको, वो इजाजत दें, तो वो आपको क्यों नहीं देख सकते? ईश्वर की बनाई वस्तु देख सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने जेह देहु जनाई, जिसे भगवान जनाना चाहें जी, उसे भगवान अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तू अपनी इन आँखों से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे
भगवान ने पक्षी होता है चील, चील बाज गरुण कह दो, वो पक्षी ना बहुत 100-200 किलोमीटर दूर का देख सकता है, हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पक्षी होता है वो बहुत दूर तक देख सकता है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हमें मानते हैं केवल शरीर को ही हम देख पाते हैं। पहले सुनो, हमने कब कहा कि आप शरीर के अतिरिक्त कुछ? आत्मा, आत्मा को तो नहीं देख सकते। अभी आत्मा पे आएंगे ना, पहले एक तो उत्तर दे दें, आप कभी आत्मा पे भी आ जाएंगे। पहले ये देखो कि शेर के पास शक्ति है शिकार करने की, कोयल के पास जितना बढ़िया सुर है हम में से किसी के पास नहीं, तो ईश्वर ने कोयल को एक सुर दे रखा है, मोर को सुंदर से पंख दे रखे हैं, ईश्वर ने एक एक चीज सबको दे रखी, सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया ईश्वर ने, सर्वगुण संपन्न तो भगवान है। अब ये बताओ कि जिस परमात्मा ने चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाई, पृथ्वी बनाए, समुद्र बनाए, नदी बनाई, झरने बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया, जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, यदि वही परमात्मा चाहे कि आप मुझे देख सकें, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो देख पाए, अर्जुन कोई अपने बल से नहीं देख पाए, कृपा की भगवान ने तो देख पाए। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है, अच्छा मान गए कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं, एक आकार लेता है कि नहीं? जैसे पानी निराकार है पर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए कटोरी में भरकर, तो वह पानी कटोरी का आकार ले लेता है, गिलास में भर के रख दीजिए तो पानी गिलास का आकार ले लेता है। जब पानी निराकार होते हुए भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, तो वह परमात्मा है, भगवान है, संसार को बनाने वाला है, वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान समुद्र को बना सकता है, सूर्य चांद को बना सकता है, वो निराकार से क्या स्वयं को साकार रूप में परिणत नहीं कर सकता? आप ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो निराकार है तो दिखेगा नहीं? अरे भगवान चाहे तो, भगवान चाहे तो इतनी सी चींटी है, चींटी, भगवान चाहे तो चींटी के पांव में, उस चींटी का पांव कितना बड़ा, उस चींटी के पांव में पूरा ब्रह्मांड लटका सकते हैं भगवान चाहे तो। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता? सुई के छेद से पूरी पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा चाहे भगवान तो निकाल सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते? जो भगवान आपको बना सकते हैं, हमें बना सकते हैं, वो अपने आप को निराकार से साकार नहीं बना सकते। तो फिर राम को आप क्या मानते हैं? क्या राम को आप भगवान नहीं मानते? राम तो भगवान ही है पर साकार रूप में है। कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान है, वो निराकार से साकार बनकर आए हम मारे और आपके लिए। आप सोचिए, आप कहते हैं भगवान निराकार है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, बात सही है, नहीं छुआ जा, लेकिन वो चाह ले कि आप मुझे छुएं। प्रधानमंत्री को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिक्योरिटी घुसने नहीं देगी, पर प्रधानमंत्री चाहे तो छूने का क्या, वो आपको गले लगाए, कौन रोकने वाला है? राष्ट्रपति को आप छू नहीं सकते, लेकिन वो चाहे तो आपको अपने बगल में बिठा के आपके संग चाय पी लें, कौन रोकेगा? उसी तरह भगवान को कोई छू नहीं सकता, पर भगवान चाह लें तो सब हो सकता। तुम्हें ब्रह्मा बना दें, यदि भगवान चाहे तो तुम्हें ब्रह्मा बना दें, भगवान चाहे तो तुम्हें इंद्र बना दें, क्या नहीं कर सकते भगवान? आपने भगवान को बहुत हल्का मान लिया। अरे भगवान कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान है, बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्री, ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः। भगवान की परिभाषा जानते हैं? जो भगवान केवल संकल्प कर ले, रावण को मारने की जरूरत नहीं थी, भगवान इतना कह देते रावण मर जाए तो मर जाता, भगवान आंखें बंद करते हैं तो प्रलय हो जाता है, आंखें खोलते हैं तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वो भगवान क्या निराकार से साकार नहीं बन सकता? क्या भगवान को आपने अपाहिज मान रखा है कि नहीं भगवान तो बन ही नहीं सकता साकार? अरे जो भगवान निराकार है
वो चाह ले अपने आप को साकार बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, पर वो चाह लें कि मैं इन बच्चों के साथ आज गिल्ली डंडा खेलूंगा, मैं आज इन बच्चों के साथ कंचे खेलूंगा, तो वो प्रधानमंत्री हैं, पर बच्चों के साथ वो खुद खेलना चाहें तो कौन रोक सकता, खेल सकते हैं। वो भगवान है, वो निराकार भी हैं, और वो चाहे मैं साकार बनूं, तो जिस परमात्मा ने ये साकार संसार बना दिया, क्या वो भगवान स्वयं अपने आप को साकार रूप में परिणित नहीं कर सकता? वो साकार भी है। 23 साल में आप पढ़े शास्त्रों को, इतनी सी बात ना समझ पाए प्रभु? वे देह को धारण करते हैं, देह नहीं हो जाती। हमने कब बोला कि वो देह धारण? भगवान कृष्ण भगवान राम अनंत है, कौशल्या जी ने यही ना कहा कि आप? लेकिन ये राम और कृष्ण सगुण साकार हैं या नहीं? साकार रूप में दिखाई देते हैं, वास्तव में निर्गुण निराकार। तो भाई हमने यही तो कहा कि सुनो, वो निराकार तो हैं, पर जरूरत पड़ने पर साकार बन जाते हैं, राम कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं कल्याण के लिए। भगवान का शरीर पंच तत्वों का नहीं होता, समझो। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, हम में 8 चीजें होती हैं, 5 तत्व होते हैं और 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आप और हम में 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 चीजें हम में पाई जाती हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? त्रिसर्गो मृषा, भगवान के बारे में लिखा है त्रिसर्गो मृषा, भगवान 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से नहीं बने। भगवान तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बनाते हैं, वो थोड़ी इनसे बनेंगे। उनका जो शरीर होता है, हमारी तुम्हारी तरह शरीर नहीं होता, उनका शरीर दिव्य होता है ना, लेकिन वो भगवान है निर्गुण निराकार, लेकिन वो दिव्य शरीर धारण करके हमारे लिए, हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रकट हो जाते हैं साकार रूप में, हमारी तरह। आप ये मत समझ लेना कि कृष्ण अब ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि ये भी हमारे तरह देही है ना, वो भगवान है, उनका शरीर हमारी तरह नहीं है, उनमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं व्याप्ता, वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, वही तो निर्गुण है। अरे भगवान तो वो तो निर्गुण है, पर राम कृष्ण, अच्छा बताओ, जब अयोध्या के लोगों ने राम जी को देखा तो निराकार रूप में देखा, सीता जी ने माला पहनाया तो निराकार को माला पहना ही ना पाती, जब तक साकार नहीं होने गले में टिके ही नहीं, तो वह निराकार साकार बनाना तब ना गले में माला रूपा। यदि मैं आप निराकार होते तो मैं आपका गला ही ढूंढता फिरता, आपका गला कहाँ? तो वो राम सीता मैया ने माला पहनाया तो सगुण थे कि नहीं? आपने पानी का उदाहरण दिया, तो पानी तो मटेरियल है, पानी ही वाष्प बन जाता है, पानी ही ठोस बनकर बर्फ बन जाता है, है तो मटेरियल ही, पदार्थ ही। तो भगवान भी तो जब चाहे अंतर्धान हो जाए, जब चाहे जिस रूप में परिणित हो जाए, भगवान किस रूप में परिणित नहीं हो सकते ये बताओ? जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का और बछड़ों का हरण किया, भागवत जी के दशम स्कंध की चर्चा है, तो सुनो, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वाल चुरा लिए कि ये देखो ये कैसा, जैसे आपको संदेह हो गया ना, ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी हो गया था, मोहयंत यत सूर्य, भगवान पर संदेह हो जाना, माता सती को हो गया, तो आपको हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं। माता सती ने भी तो बोला कि ये कैसे राम है, ये भगवान छोड़ी है। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान, ब्रजवासियों के संग कढ़ी खा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, ये कैसा? तो ग्वाल वालों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, चुरा लिया बछड़े, चुरा लिए। उस समय भगवान स्वयं बछड़े बन गए, भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए, ग्वाल वालों ने जो कपड़े पहने थे वो भगवान ही कपड़े बन गए, लाठी लिए थे लाठी बन गए। उस समय जिसे आप देख रहे थे, कोई ग्वाल वाल ने कान में कुंडल पहना था तो भगवान ही कुंडल बन गए। तो भगवान क्या नहीं बन सकते? भगवान ने उस लीला में हर रूप धारण किया, डंडे का, कपड़े का, लकुटी का, बछड़े का, बछिया का, ग्वाल वालों का, दुपट्टे का, किसी का लाल दुपट्टा था तो लाल दुपट्टा भगवान बन गए, सफेद था सफेद, मतलब अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में जो उस समय दृष्टि गोचर हो रहा था, दिख रहा था, वो कृष्ण ही था, कृष्ण ही थे जी। सेकंड क्वेश्चन है, पहले ये बताओ फर्स्ट से संतुष्ट हुए या नहीं, बोलो हाँ या ना।
हम तो देह को देही से अलग मानते हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह सांसी जीर्णानी जथा। नहीं, वो आपकी बात सही है, वो आप विषयांतर हो जाते हैं। बात समझो, भगवान श्री कृष्ण साकार थे या निराकार थे, बस ये बताओ। निराकार थे। अच्छा, तो फिर अर्जुन को उपदेश किसने कर दिया? फिर रुक्मणी मैया ने माला किसे पहना दिया? फिर भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागे, ग्वाल वालों के संग जो चोरी किए, घर में जाके माखन चुराए, तो वो कौन सा रूप था? निराकार होता तो निराकार माखन क्यों खाता? नहीं, पर फिर मिट्टी क्यों खाता? साकार रूप धारण कर लेते हैं, देह धारण कर लेते हैं। अब आया बात, तो कर लेते हैं कि नहीं? जैसे ये मेरा देह है, कर लेते हैं कि नहीं? वही तो हम समझा रहे हैं कि वो परमानेंट साकार नहीं है और परमानेंट निराकार नहीं है। वो जो चाहे वो बन सकते हैं, भगवान स्वतंत्र। भगवान का आपके घर में आप चाहे लुंगी लगा के रहें, आप चाहे पैंट शर्ट पहन के रहें, आप चाहे कुर्ता पजामा, कोई रोकने नहीं आएगा। उसी तरह ये संसार भगवान का है। भगवान साकार रूप में चाहे तो रहें, निराकार रूप में चाहे तो रहें। भगवान को थोड़ी कोई रोकने जाएगा कि क्यों जी आपने साकार क्यों धारण कर लिया, आपने निराकार क्यों धारण कर लिया। भगवान अब बिहारी जी के रूप में है, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में है, तो ये तो साकार रूप ही है। तो आचार्य जी हमें मानते हैं कि हम जितने लोग हैं ये सब शरीर हैं और उन्होंने ही, ईश्वर ने ही शरीरों को परोक्ष रूप से धारण किया है। हाँ। अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेते हैं। ठीक है, है तो वही लीला कर रहे हैं, परोक्ष लीला ही तो चल रही है। सब भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपकी कथा सुन रहे हैं, तो इस बात ये भी तो ईश्वर की ही लीला है। नहीं, तो इस बात से कौन इनकार कर रहा है? सी राम मैं सब जग जानी लिखा तो है, हम कहते तो हैं कथा में सर्वम खल विदम ब्रह्म लिखा तो है। सबके रूप में भगवान ही है। जी हाँ, है ना? वही तो सबका रूप साकार है या निराकार है? उन्होंने ही देह को धारण किया। हाँ, हाँ, कर लिया, धारण करके लीला कर रहे हैं। तो लीला करने के लिए साकार रूप धारण किया कि नहीं? बिना साकार के तो लीला होगी नहीं। वही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से कि बिना साकार के लीला होगी नहीं। आप घूम फिर के वही आ गए। कोई भी अभिनेता जब नाटक करता है तो रूप बनाता ही है। बस वही तो नाटक है, ठाकुर जी की लीला है, लीला ही तो चल रही है। समझ ये बात प्रभु। और ये बात और है कि ये परोक्ष लीला है, जब वो अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हैं। भगवान है, कुल मिला के भगवान को आप ये मत कहो कि भगवान तो निराकार है तो साकार कैसे बन सकते हैं, ये कहना गलत इसलिए है क्योंकि वो भगवान है भैया। वो भगवान की जो मर्जी हो वो रूप धारण कर सकते हैं। वो बामन बने, धनवंतरी बने, नरसिंह बने, कक्षप बने, अनेक रूप धारण किया कि नहीं, जहाँ जिस रूप की जरूरत पड़ी। हाँ दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वह एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।